पे तो दूर जाना पड़ेगा। इतना सारा सामान होने की वजह से ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखा। वैसे आपको लगी तो नहीं ना? वैसे आपको भी ना देख के चलना चाहिए था। अगर आप देख के चलती तो शायद हमारी टक्कर नहीं होती। बड़ी पेशेंट लड़की है, कितनी देर से भागती जा रही है। ये तो सारा सामान गिरा दिया, ऊपर से अब हेल्प भी नहीं कर रही है। यार देखे जा रही हो, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए थी ना थोड़ी सी। ओ हेलो मैडम, कहाँ घूम रही हो? इतना सारा सामान गिरा दिया, अब क्या हेल्प भी नहीं कर सकती हो? हाँ सॉरी। कोमा भी चली गई हो क्या? इतना सारा सामान गिरा दिया। एक्चुअली मेरा ध्यान भी कहीं और था तो सामने से कौन आया मुझे पता भी नहीं चला, तो इसलिए टक्कर हो गया। सॉरी। बाय द वे मैंने आपको पहले यहाँ कभी पहले देखा नहीं, आप न्यू हो क्या? हाँ मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ। एक्चुअली मेरा सारा सामान आ गया था, बस बुक्स रह गई थी तो मैं बुक्स लेके जा रही थी। वैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। मैं थर्ड फ्लोर। ओह ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ तो मैं चलती हूँ। ठीक है, वैसे आपको कभी किसी चीज की भी नीड हो तो आप आ जाना। हाँ हाँ श्योर। सामान तो सेट कर दिया है और थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा काम। शिट तो है ही नहीं, क्या करूं? उस लड़की से मांग लूं? पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है
अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, थर्ड फ्लोर तो यही है, यहाँ तो यही है। ओ हेलो भैया, भैया ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ आप बता सकते हो कहाँ पर है ये? सॉरी भैया मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर कोई रहता है वो कहाँ है आपको पता है कुछ? पढ़ाई अजीब बात नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही है क्या? जाहिल ये यहाँ क्या कर रही है? इधर क्यों आ रही है ये? हेलो हेलो, वो एक्चुअली ढंग से बात नहीं हो पाई थी इसलिए मैं सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊँ। अच्छी बात है। मैं तुम्हारे यहाँ भी गई थी, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अच्छा, शायद उस टाइम मैं कहीं बाहर गई होगी इसीलिए। हो सकता है। चलो ना अंदर चल के बात करते हैं। मैं आपके घर तक आ गई और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। ओह, मेरा नाम है जैस्मिन और आपका? डायन। क्या? डायन? आई मीन डायना। ओह डायना, ओके। वैसे जैस्मिन आपका बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू। वैसे आप दिल्ली किस लिए आए हो? दिल्ली मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं बरेली से हूँ और वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दिल्ली में इसलिए आई हूँ कि मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो जाए और मैं यहाँ पर जॉब भी कर लूँ साथ में। चलो अच्छा क्या आप आ गए, इसी बहाने मुझे एक दोस्त तो मिल गई। ये कह सकते हो। वैसे तुम ये पुराने ज़माने का फ़ोन यूज़ करती हो? एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोन था इसीलिए मुझे इससे अटैचमेंट है। हाँ जी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या खिला रही हो? हाँ फ्राइड राइस खाओगे? हाँ जी। चलो मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाती हूँ। ओके ये लो रहना फ्राइड राइस। एक्चुअली जैस्मिन तुम ना रहने दो, मुझे अभी याद आया मेरी एक मीटिंग है और मेरा पेट भी फुल है। बट मैंने बहुत प्यार से बनाया है और मैं तुम्हें बिना खाए नहीं भेजूंगी। थैंक यू जैस्मिन एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, पर सच्ची में मैं नहीं खा पाऊंगी। फिर इसका क्या, मैंने तो बड़े प्यार से बनाया है। एक काम करो, तुम इसे पैक कर दो, मैं काम खत्म होके घर में इसे पक्का खा लूँ। पक्का खा लोगी ना? हाँ जी पक्का खा लूँ। चलो ठीक है मैं इसे पैक कर। आई एम रियली सॉरी जैस्मिन, तुमने इतना अच्छा और इतने मेहनत से खाना बनाया था मैं खा नहीं पाई, लेकिन मैं बाद में ज़रूर खाई एंड इट वॉज रियली टेस्टी। ये तुम क्या जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हो? मेरी मानो तुम्हें ढाबा खोलना चाहिए। अच्छा? हाँ जी। यू मीन तुमसे जैस्मिन बढ़ाओ? बिल्कुल। अब ये लो तुम्हारा डब्बा। थैंक यू। अंदर आओ ना। नहीं नहीं अभी एक्चुअली मुझे कुछ काम है। ओके वैसे आज रात को तुम क्या कर रही हो? आई मीन फ्री हो? हाँ पर क्यों? ऐसे ही कल तुम आई थी तो चली गई थी जल्दी में, तो फिर हमारी बात भी नहीं हो पाई थी, और आज रात अगर हम आप आती हो तो थोड़ी छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी और इसी बहाने हमारी बातें भी हो जाएंगी। तो गुड आइडिया। ठीक है तो फिर हम रात में मिलते हैं। ठीक बाय बाय। वैसे कितनी अजीब लड़की है ना, जब भी मिली है एक ही ड्रेस में मिली है,
अब बाल भी सेम ही रहते हैं, मुझे क्या। थैंक यू टू माय तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, चाय या कॉफी? अरे अभी ये सब छोड़, इधर बैठ। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा बनाया तुम्हारे लिए। जैस्मिन इधर बैठो ना। ओके वैसे मैं एक बात पूछूँ, तुम हमेशा ये ब्लैक ड्रेस क्यों पहनती हो? वैसे भी लाइफ ना इस कलरफुल, मतलब जैसे मैं देखो मैं हर कलर पहनती हूँ, तो तुम्हें भी ना वैसा कलर पहनना चाहिए, यू नो ब्राइट लाइफ ना, मतलब ब्लैक इतना ज़्यादा खिला हुआ कलर नहीं होता ना, तो वो हमारी लाइफ को भी नेगेटिव करता है। और वैसे भी लाइफ इस कलरफुल ना, बहुत से डायना हेलो, क्योंकि मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद है। सॉरी तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी डायना। ओके आई एम फाइन, वो थोड़ा वर्क स्ट्रेस, आई एम सो सॉरी। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? श्योर। पानी, तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे कुछ लेके आती हूँ। ये देखो ड्रिंक। वाओ व्हाट इज इट्स कूल। जैस्मिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। तुम्हें बहुत अजीब लगेगा सुन के, एंड मे बी ये शायद जल्दी भी है। मैं एक लेस्बियन हूँ, एंड जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे उस दिन से तुमसे प्यार हो गया। जैस्मिन अच्छा मैं चलती हूँ, एक सेकेंड पूरी बात खत्म करके तो जाओ। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ।
मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था और हमारे रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं था, तो वो रिलेशनशिप चला ही नहीं। तो मुझे हिंट हुआ कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं एक लड़की से प्यार कर सकती हूँ, उसके लिए फील कर सकती हूँ। सो मैं भी तुम्हारे लिए फील करती हूँ। डायना, लगता है वॉशरूम में होगी। रहती है ना डायना नाम की, यहाँ ये फ्लैट तो 5-10 साल से बंद है मैडम, आपने कौन सी लड़की देख ली? भैया वो यही रहती है। कौन सी लड़की, यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो भूत बंगला है, हम तो इसको भूत बंगला कहते हैं। भूत बंगला? और हमें तो आवाजें आती हैं यहाँ से रोने की। क्या बकवास कर रहे हो तुम, आपने उस लड़की का भूत भूत तो नहीं देख लिया? प्लीज भैया ऐसी बकवासें मत करो मुझसे प्लीज। मैं तो सच कह रहा हूँ, आप ही देखो। डायन, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट फोन था। अब वहां पर ताला लगा हुआ था। अच्छा, शायद उस टाइम मैं कहीं बाहर गई होगी इसीलिए। कौन है?
जैस्मिन जो डर गया वो मर गया। देखती हूँ कौन है। कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है तो बैल किसने बजाई?